इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऊपर से नीचे। मान लो यहाँ कहीं बॉल लटकी हुई है, मास एम, चार्ज क्यू और रेडियस है आर, तो अब बताओ इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंका जाए कि एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो जाए। बताओ, इलेवेंथ में पढ़ा था, रूट थ्री जी आर था ना? रूट फोर जी आर होगा ना? हाँ, रूट फोर कैसे होगा, वो टू नहीं हो जाएगा? अरे सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, किसी को याद नहीं है? भैया रूट फाइव जी आर। अरे वाह, ये किसकी जुबान पर सरस्वती का निवास है आज? शाबाश, शर्म तो आती नहीं हमें, इलेवेंथ में जो पढ़ाया था सब भूल गए, सिर्फ एक ही को याद है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरी बंदी है वर्तिका। अबे सच में प्रोडिजी में थी लास्ट ईयर? 11th का सिलेबस मैंने पढ़ाया था उसको। नहीं, मैं इंडिविजुअल कोचिंग में। मम्मी कसम, लास्ट टेस्ट में नंबर कितने हैं? अब मैंने पिछला टेस्ट दिया नहीं, वो तबीयत थोड़ी खराब थी। ओ, वर्तिका जी की तबीयत खराब थी, पीरियड्स चल रहे थे उसके। तो भैया जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बन जाए उसकी तो ज्यादा इज्जत करो, केवल मेथड नहीं फाइनल आंसर भी रटा होना चाहिए। वर्तिका जी के तो पीरियड्स अभी चल रहे हैं ना। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो इलेक्ट्रो का है ही नहीं। सच में तेरी ही बंदी है ना? बस इतना सा यूज था। हाँ, गर्लफ्रेंड इन्हीं की है, उसने। वेरी गुड वर्तिका, अगले टेस्ट में फोड़ना है। अरे हाँ या ना बोलो दीदी। हाँ भैया। नालायक जनता ध्यान से सुनेगी। कॉन्सेप्ट वो ज्ञान का भंडार है जिसका यूज हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने में करते हैं। कब पढ़ा था ये? सालों पहले, 11th में नहीं।